आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीवानी ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोगों को आज दिखाऊंगा एक ऐसा पौधा जो टमाटर की फसल को डबल एवरेज में ले जाएगी। जो आपके टमाटर का जो पौधा है उसको 8 महीने तक वो आपको प्रोडक्शन देगा। और ये पौधा है दोस्तों, इसके जो रूट है इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं टमाटर के पौधों में। और इसका जो ग्राफ्टिंग द्वारा जो टमाटर तैयार किया जाता है इसी रूट से हम तैयार करते हैं। और ये जो आपका जो बीज है ये काफ़ी छोटा छोटा आपको दिखेगा, लेकिन ये काफ़ी फायदेमंद है किसान के लिए। और इसको जंगली पौधा के नाम से भी जानते हैं, जाना जाता है। और इसको हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इसको फुटगुनिया के नाम से जानते हैं। इसका हाइट तकरीबन 15 से 20 फीट तक जाएगा। और इसको हम लोगों ने ये पौधा का जो ग्राफ्टिंग के लिए ही इसको संरक्षित करके रखा है। ये मिट्टी में जो पानी की मात्रा जहाँ अधिकता होती है और बीमारी जहाँ ब्लाइट की समस्या ज़्यादा रहती है, तो वैसे जगह में इस टमाटर का प्रयोग ग्राफ्टिंग के तौर पर किया जाता है। दोस्तों, हम तो इसी टमाटर से ही अपना ग्राफ्टिंग टमाटर तैयार करते हैं। और हम लोग का जो खेत देखेंगे आप, खेत से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो खेत है इसमें जुलाई और जून जुलाई अगस्त में टमाटर की फसल नहीं ले सकती, क्योंकि जहां हम अभी खड़े हैं ये यहां से 2 या 2.5 फीट नीचे ये खेत है। और यहीं हम लोग टमाटर का जो प्रोडक्शन है वो लेते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती, ना ही पौधा का मरने की जो समस्या है वो भी न के बराबर होती है। आप देख सकते हैं निचली जगह में हम लोग टमाटर की खेती करते हैं। और ये जो खेत है पूरा ही ढलान में है, उधर ऊंचा है इधर ऊंचा है। बरसात का पानी पूरा यहीं बरसात में डंपिंग होता है, ऊपर से भी पानी यहीं आता है और गांव अपने मोहल्ले से भी इधर ही आता है। और उधर उधर का जो खेत है वहाँ का पानी भी यहीं आके गिरता है। ऊपर भी हम लोगों ने पानी की सुरक्षा, पानी का जो प्रबंध है वो नाली कटाव करके साइड से निकाले हैं। उसके बाद भी यहाँ जो है नमी हमेशा बरकरार बनी रहती है। अगर इसमें हम लोग टमाटर से पहले धान की खेती करते थे, जहाँ ज़मीन सूखने के लिए नवंबर दिसंबर लास्ट तक यहाँ का ज़मीन सूखता था, वो भी हम लोग अपनी तरकीब से इसको पलाऊ चला के सुखाते थे ज़ोर ज़बरदस्ती से। और ऐसी जगह पर टमाटर की खेती नामुमकिन है। लेकिन इस रूट या ग्राफ्टिंग के द्वारा हम लोगों ने जो विधि अपनाई है, ग्राफ्टिंग करके जो टमाटर लगाया है, काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों। अगर किसी किसान भाई को अगर इस चीज़ का अगर ज़रूरत हो तो हमें कमेंट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा आपको। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, आप पोस्ट द्वारा भी इसे मंगवा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ फेंका था, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा छोटा जो है ना ये पौधा, हाँ यही है। इसको अभी हम लोग पॉली बैग में या ट्रे में इसका ट्रांसफ़र करेंगे। ये है, दिखने में बहुत हल्का दिखेगा लेकिन जब उसका पौधा तैयार होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका हाइट तकरीबन 15 फीट से नीचे नहीं है। और एनी टाइम पानी यहाँ पड़ते रहता है, किसी भी प्रकार का पानी से इसको कोई समस्या नहीं है। इसका जो रूट है वो ज़मीन से काफ़ी नीचे तक चला जाता है और अपने पौधे को ज़िंदा रखता है। आपको मैं दिखाऊँ तो दिखाना चाहूँगा कि जुलाई का जो पौधा मैं लगाया था ये टमाटर की करेला की वजह से वो दब गया और यहाँ अपना जो ग्रोथ है खो दिया है, लेकिन पौधा आज भी ज़िंदा है। ये वही टमाटर का पौधा है जिसको ये आज भी ज़िंदा है। इसको क्या है, धूप नहीं पड़ने की वजह से ये अपना ये ज़िंदा है। इसी में हम लोगों ने एक ग्राफ्टिंग किया था दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो रूट हम लोगों ने लिया है उसी पौधे का है। और इसका जो रूट का डीपनेस है आप देख सकते हैं कितना गहराई तक जाके पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। ये आपको बरसात में और गर्मी में काफ़ी फायदेमंद होने वाला है दोस्तों। हम लोगों ने उसके बीज को अभी मिट्टी में तैयार किया है
और काफ़ी अच्छा आया है। इसका एक एक पौधा को हम लोग ट्रे की सहायता से अलग अलग करेंगे, देख सकते हैं ये तैयार होने वाला है। ये जून जुलाई के लिए तैयार कर रहे हैं दोस्तों ये फसल। तो दोस्तों हम लोग आपको इसकी सटीक जानकारी हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपके बजट को काफ़ी हल्का कर देगा। यही पौधा अगर ये ग्राफ्टिंग टमाटर का पौधा अगर आप नर्सरी से लेंगे दोस्तों तो 11 से 12 रुपए पर पीस पड़ेगा आपको, और इसी चीज़ को आप घर पर अपनी आसानी से आसान तरीक़ों से आप इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। एक एकड़ के लिए आपको कम से कम 50,000 का खर्चा करना पड़ता है, वही चीज़ को आप घर में ही खुद तैयार करके लगा सकते हैं। तो आप पूरे फसल को ये खेत को एक ही बार ना लगाएं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे 100-150 पौधा तैयार करके आप एक बार आजमा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें चार से पाँच साल तक काम किया है और इस साल पूरा प्लानिंग है कि हम लोग हाथ से ही तैयार करके ग्राफ्टिंग का जो टमाटर की फसल को तैयार। बने रहिए इसी तरह से हमारे वीडियो के साथ, आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलता रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।